गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली अभी दोपहर होने वाली है, मैं दोपहर को ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज जो है बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज बारिश नहीं दे रही है आज भी। लेकिन आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, शॉकिंग न्यूज गाइस। रात को जो है अचानक से 3 बजे सुबह सुबह गाबूजे चिल्ला के अचानक से उठता है और मैं पूरा दौड़ दौड़ के बाहर निकला तो बेचारा पूरा डरा हुआ था, पूरा दिल की धड़कने तेज हो गई थी उसकी, क्योंकि इसको कुछ जो है जानवर ने अटैक कर दिया था। पता नहीं कौन सा मिस्टीरियस जानवर है तो इसके आँख पे पूरा डायरेक्ट अटैक किया था। यहाँ पे पूरा दांत जो है इसके अंदर में गरा दिया था, पूरा आँख फूल चुका था, लाल हो चुका था, पानी गिर रहा था। मैंने दवाई वगैरह अप्लाई कर दिया है तो पूरा उसके बाद मेरे रूम पे ले जाके इसको सुला दिया। तो अभी जो है थोड़ा बहुत ठीक है, बट फिर भी मैं इसको हॉस्पिटल में लेके जाऊँगा, पूछूँगा, कुछ इंजेक्शन वगैरह चाहिए होगा तो लगवा दूंगा इसे मैं। सुबह सुबह यहाँ पे बांजी लोग भी आ चुके हैं और वहाँ पे क्या फोटोशूट चल रहा है, फोटोशूट चल रहा है। तो और मम्मी और दीदी जो है वो लोग मार्केट पे गए हैं कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए, तो वो लोग जैसे ही आएंगे स्कूटी लेके मैं जाऊँगा क्योंकि गाबूजे को बाइक पे ले जाना थोड़ा मुश्किल है। और आज मेरा सलाइन लगाने का टाइम भी है तो मैं हॉस्पिटल नहीं, एक्चुअली जो फार्मेसी है प्राइवेट वाला, तो वहाँ पे जाके सलाइन लगा के आ जाऊँगा मैं। तुमको ना कोई कोई बोल रहा है तुमको वीडियो में नहीं दिखाने के लिए, वो लोग को काटो तो बोको। हाँ जो भी तुमको पसंद नहीं करता है वो जाए बाहर में, जाए मत देखो वीडियो, बोलो जाओ बोलो ना गाबूजी ना। क्यों नहीं दिखाएगा, हाँ तुम हम लोग का बेटा है ना, जिसको नहीं देखना है मत देखो, है ना, ये हैंडसम चेहरा को। तो दोस्तों हम लोग खाना खा के भी थोड़ा सा रेस्ट किया था, उसका फ्रूट लोग खाया था उसका, अमृतो दादा और अंजिका दीदी आए और 500 ने वाला चॉकलेट हम अमृतो दादा को देगा लो। थैंक यू बोलो। मामी का माथा पे देखो हम फूल लगा दिए, वहाँ देखो इतना सुंदर करके निकल आ चुका है। हाँ। बहुत सुंदर है। हाँ। बहुत लास्टिंग होता है। हाँ। जब तक हम लोग का बीजू फेस्टिवल खत्म नहीं होता है तब तक रहेगा ये। हाँ, जब बीजू भी खत्म हो जाएगा तब तक भी रहेगा ये। हाँ, पर क्या करें, हम लोग फ्लावर्स का गार्डन पे इतना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ये देखो इधर में पूरा जून करके दिखाओ, कीड़े कीड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, देखो। हाँ, पूरा खत्म कर देता है ये कीड़ा, इतना डेंजर है। उधर में जो रोज फ्लावर है डैमेज हो गया, दिखाओ तो इधर पूरा पता नहीं जब निकल आता है फूल ऐसा हाल कर देता है, ये देखो। हाँ, पूरा खराब कर देता है। और इधर में भी ये जो छोटे छोटे वाले हैं बस निकलने का वो हो गया, टाइम हो गया। हाँ, देखो पूरा अंदर अंदर में खत्म कर दिया, पता नहीं इसको क्या दवाई मारने से जो है ठीक होगा। तो आप लोग जो है अगर किसी को मालूम है तो जरूर से कमेंट में कुछ दवाई का नाम लिख दो। हाँ, जो है दवाई की जरूरत हो गया। हाँ, अब मुझे फूल खिलते टाइम पे इतना अच्छा लगता है ना, तो आजकल फूल नहीं खिल रहे, देखो ना पूरा मुरझा गया है, इतना खराब होता है। हाँ, सुंदर करके निकल नहीं आता है देखो। हाँ, देखो पहले में इतना बड़ा बड़ा करके निकल आता। हाँ, बहुत सुंदर कर, ये भी पूरा डैमेज कर दिया, ये कलर देखो ना पूरा कैसा हाल हो गया ये। हाँ, देखो अजीब हो गया। अरे और ये रेड रोज देखो, 3 निकलने वाला है, मामी लगाया था। हाँ, मैंने लगा दिया था वो बहुत पिछला साल में। हाँ, में येल्लो वाला भी इतना सुंदर है। हाँ, येल्लो वाला भी सुंदर है, अभी तक डैमेज नहीं हुआ है। और इसमें जो सफेद वाला फूल निकल आता है ना, इसका टाइम जो खत्म हो गया, अभी नया करके ग्रोथ हो रहा है ये पत्ता जो। अभी हम चॉकलेट खाने के लिए ला दिया, देखो ये देखो, मंजिता ने सिर्फ अमृत दादा को दिया था, हमें नहीं दिया, इसलिए हम खुद निकल के खा रहे। हम ला दिया मामी बोले तुमको। और देखो दूसरा लोगों को बांटते बांटते बस इतना तक है, पहले इतना तक था ना मंजिता। हाँ, इतना भी नहीं था, इतना तक था ना, इतना। हाँ, चलो खाते है, तुम खाएगा। हाँ, तुमको तो नहीं देंगे, तेरा दांत में कीड़ा हो रहा है। चलो आ जाओ खिलाएगा। अभी देखो नानी और मम्मी भी आ गए, इतना लेट से आए, पैसा मिला क्या? देखो यहाँ पे पैसा मिला क्या, तो फिर इतना लेट से क्यों आए? थैंक यू बेबे। नानी हमको चिप्स ला दिया, देखो 2 पैकेट। अभी यहाँ पे ये लोग बैठ के पूरा दही पियेंगे गाइस। तो वो जो पानी है वो गाबूजे के लिए रख देते हैं, गाबूजे बहुत ही खाता है
तो मैं और मंजिता जाएंगे हम लोग हॉस्पिटल में सलाइन लगाऊंगा, लेकिन काबूजी को लेके नहीं जाएंगे सोच रहे हैं, क्योंकि सलाइन लगाने का टाइम इतना देर तक रुकना, काबूजी भी पूरा इधर उधर घूमेगा फिर ना, तो हम अपना बाइक पे ही जाएंगे। तो सबसे पहले सलाइन वगैरह लगवाऊंगा और टेबल भी एक खरीद के लेके आना, क्योंकि हम लोग का बिजू फेस्टिवल में मेहमान वगैरह आएंगे, तो अगर वो लोग घर के ऊपर में नहीं जाना चाहते तो नीचे में अगर बैठेंगे ना तो चेयर वगैरह से वो सब चेयर लगा के हम लोग टेबल में बिठा के हम लोग आराम से खिला पिला पाएंगे ना। तो अभी हम दोनों जाएंगे, चलो सलाइन लगाना है। सलाइन क्या खा रही हो? चिप्स। ओ चलो अभी दोनों जाते हैं ना, बाइक गंदा हो चुका है, आने का टाइम में वॉश करेंगे ना, हैंडसम बनाएंगे ना अपना ब्लैक पैंथर को। चलो लेकिन काबूजी, ओ काबूजी उधर में सो रहा है ना, ये हम लोग का पीछे पीछे ना भागे बस। अभी मैं और मंजिता पहुंच चुके हैं हम लोग अलूबरी में, तो अभी जो है फार्मेसी जहाँ पे प्राइवेट वाला है ना, जहाँ पे पहले भी आया था, तो वहीं पे मैं सलाइन लगवाऊंगा। यहाँ पे मंजिता को वहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे पूरा धूप है ना गाइस, तो इसलिए मैंने बाइक को उधर पे रखने के लिए जो है वहाँ पे पार्किंग करके आ गया, और सामान वगैरह पूरा फुल हो चुका है यार। चलो अभी सीधा सलाइन लगवाते हैं, उसके बाद निकलेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा ना, इसको वेट करना पड़ेगा, बोरिंग हो जाएगी आज ही। अभी देखो मामा स्लाइन मारेगा, देखो स्लाइन लगाएगा। हाँ हम भी पहले मैं आया था लगाया था, इतना दर्द दिया था हमको जब जॉन्डिस हुआ था तब को। अंकल ने लगा दिया तो ठीक हो गया ना। हाँ अभी मामा लगाएगा। हाँ। अभी देखो मामा को स्लाइन लगा दे रहे, देखो अभी यहाँ पे स्लाइन भी लग चुका है गाइस, तो अभी लगा रहा हूँ, मंजिता वहाँ पे वेट कर रही है, पूरा बोरिंग लग रहा होगा उसे, बोरिंग लग रहा है। थोड़ा सा टाइम बस, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे मार्केट ना। अभी देखो मामा का भी स्लाइड लगा के हो गया। हो गया अभी। आया, ये देखो। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे मार्केट ना। तो अभी जो है मेरा सलाइन भी लग चुका है गाइस, तो आजकल 3 दिनों से जो है मेरा तबीयत तो ठीक ठाक है, बट सलाइन लगाना जरूरी था इसलिए लगा लिया, तो अभी काफ़ी तंदुरुस्त हो चुका हूँ। तो अभी हम लोग का बिजू फेस्टिवल भी आ चुका है, तो अभी जिम विम जाना भी बंद, तो मंडे वगैरह से ही जाना पड़ेगा मुझे, तो सर ने भी मना किया है मुझे जिम विम अभी नहीं जाने के लिए, और मीट मच्छी कब तक नहीं खा सकूँगा, 2-3 दिन और बिजू में तो खाना पड़ेगा, तब तक हो जाना, फ्राइडे से स्टार्ट कर पाऊंगा, अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ मैं। तो ये सर जो है यहीं पे पूरा इनका फार्मेसी लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया है, हर बार आते हैं यहीं पे, हम लोग पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, तो इधर में जो है सर के पास हमेशा आते रहते हैं पेशेंट वगैरह, और ठीक होके ही जाते हैं। और यहाँ पे जो है सर का फार्मेसी यहाँ पे देख सकते हैं, और सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। चलो अभी जाएंगे ना, क्या लेंगे अभी? टेबल। ओ पावर बैंक। हाँ पावर बैंक चार्ज पे लगाया था गाइस यहाँ पे, वही भूल गया मैं। चलो पावर बैंक लेके जाते हैं, अच्छा हुआ अंकल ने बुला दिया, वरना जो है हम वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता हमारे पावर बैंक छोड़ने से। तो मंजिता को यहाँ पर रुकने के लिए बोला, रोड क्रॉस करने से थोड़ा मुश्किल होगा ना बच्चे के लिए, क्योंकि मैंने अपना ब्लैक पैंथर को उधर में छोड़ के रखा है। हम लोग जो है चौकामा है, तो सबसे पहले वेटरनरी ऑफिस में गया मैं गाबूजे के लिए वैक्सीन मंगाने के लिए, तो वैक्सीन जो है फार्मेसी से ले लिया, वहाँ से वॉश करने के लिए पोटास वगैरह दिया गया है, तो अभी रेबीज नहीं होने के लिए वैक्सीन तो लगाया हुआ ऑलरेडी, बट फिर भी लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि जंगली जानवर ने काटा है ना। हम लोग गुना नगर में पहुंच चुके हैं, सबसे पहले फिर से पावर बैंक को मैंने अजमेन भाई के दुकान पे चार्ज पे लगाया, तो अभी हम जा रहे हैं टेबल लेने के लिए। तो जेरी ने बोला है कि उधर में है टेबल वाले दुकान पे, तो अभी जा रहे हैं मैं और मंजिता, देखो आज तो मंजिता सिर्फ मेरे पीछे पीछे। चलो तो अभी हम दुकान में आए हैं, यहाँ पे टेबल वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा छोटा साइज का है गाइस, जो नीचे वाला होता है ना चाय पानी पिलाने के लिए, चेयर के साथ मैचिंग करने के लिए, लेकिन बड़े वाले जो है डाइनिंग वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मुझे जो है छोटा हाइट वाला चाहिए, बट स्टिल बड़ा वाला थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हाइट, तो मैच होने से लेके जाएंगे ना। हाँ हाइट ज़्यादा होने से तो मैचिंग नहीं होगा आई थिंक ना, चलो फिर भी देख लेते हैं। कहाँ गया? लेने गया है। अच्छा मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए गाइस, तो ये वाला देख लेते हैं। हाँ ये परफेक्ट होगा लग रहा है मुझे, इसमें अलग अलग कलर में है ना, यही कलर है। हाँ हाँ आई थिंक हो जाना चाहिए, यही वाला परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से,
इतना हाइट, चेयर के साथ बैठ के आराम से हो जाएगा बस। हो जाएगा आराम से। हाँ ये वाला तो देख लिया गाइस, तो इसका जो है दाम कुछ 1300 के आसपास में बोल रहे हैं। और अभी मैंने जेरी को वीडियो कॉल में दिखाया तो उसने बोला ऐसा बड़ा वाला नहीं चाहिए, तो ये वाला दिखाया, उसको भी ये वाला पसंद आ गया, तो ये वाला लेके जाएंगे हम लोग। थोड़ा बहुत क्यूट सा, छोटा सा ना, थोड़ा डिजाइनिंग भी अच्छा है ना मंजिता तो ये वाला लेके जाएंगे ना, नीचे में भी है। अच्छा चलो ये वाला लेके जाते हैं तब तो ना, हो गया कन्फर्म। चलो तो ये ले लिया है गैस, तो भाई ने बढ़िया डिस्काउंट लगा दिया है, 700 रुपये में ले लिया, 900 रुपये बोल रहा था तो डिस्काउंट लगा के, तो अच्छा लग रहा है यार अभी, थोड़ा पसंद आ रहा है मुझे। पहले में थोड़ा नहीं देखा था डिजाइनिंग वगैरह, लेकिन अभी देख के अच्छा लग रहा है ना अंजिता, मैचिंग भी होगा ना तो अभी ये लेके जाएंगे, लेकिन जाते जाते गिर ना जाए, इसलिए जो है हमारा भाई जो है इसको थोड़ा सा लपेट लेंगे रस्सी से। उसके बाद मैंने रबर रबर भी लाया है, तो रबर से बाइक बांध के पीछे में मंजिता को भी धाके लेके जाऊंगा। हेलो मंजिता को अभी खाना है चाउमीन, हमेशा चाउमीन चाउमीन, इतना फास्ट फूड खाना ठीक नहीं है, तू वेकेशन पे आता है इसलिए खिलाता हूँ तुझे, रोज रोज नहीं खिलाऊंगा। चलो अभी मंजिता के लिए चाउमीन आ चुका है, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा बाहर का खाना, मैं केवल घर का ही खाऊंगा अभी। ये सॉस सॉस ये सब मत खाया करो, हो जाएगा ऐसे ही खाओ ठीक है, सॉस ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है, आराम से खाते रहो तुम। ये तो अभी भी खा रही है देखो पूरा खुश चाउमीन मिलने से ना, बच्चे लोग पूरा फास्ट फूड मिलने से फिनिश कर देते अभी हम चाउमीन खा के अभी हो गया पूरा पेट भर के खाया, इतना भूख लग रहा था हमको। और मामा टेबल पकड़ा हुआ है देखो, अभी हम लोग घर जाएगा, मामा घर से खाना खाएगा ना, खाएगा। हाँ। मामा देखो यहाँ पे रखे, पता नहीं कैसे बांधेगा, बांधेगा ना टेक्निक लगाएगा, तुमको छोड़ के जाएगा बनाना घर में, नहीं टेबल को लेके जाएगा तो अभी जो है मैंने रबर से एकदम टाइट से बांध दिया है, अभी गिरेगा नहीं। तो अभी चलते हैं घर पे, मुझे भूख भी लग रहा है तो घर पे जाके खाना पड़ेगा मुझे। और गुड न्यूज़ है, लाइट आ चुकी है बोला जेरी ने कॉल करके, लेकिन हम लोग का मोटर जो है फिर से काम नहीं कर रहा बोला, तो शायद मेरे हाथों का जादू जो है जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी घर सीधा। अभी जाते जाते गाइस जेरी का कॉल आया, उसको चाहिए काजल एकदम सस्ता वाला बोला है, 10 रुपया वाला, तो ये वाला लेके जा रहा हूँ उसके लिए। बाकी तो बहुत महंगे महंगे वाला भी है, 100, 150, 200 वाले, तो ये वाला ले जाने बोला है, तो अभी ले जाके देखते हैं। पता नहीं क्या क्या चाहिए ना लड़कियों को, इसको भी चाहिए अभी हम लोग घर पहुँच गए। क्या बच्चे बेटा आँख देखूँ जरा, अभी वैक्सीन लगा दूंगा, नो टेंशन। ओके क्या हो गया पैर दर्द दे रहा, अच्छा इसमें बैठ के तो ये टेबल अभी इसको खोल लेता हूँ ना मुझे टेंशन लेने का नहीं ना बेटा, आँख में पूरा यहाँ पे लगा था चोट, पूरा आँख में अटैक कर दिया उस जानवर ने, पता नहीं क्या हो, जंगली सियाल होता होगा बेचारे को। भी देखो मामा खोल रहे, टाइट से बांधा था, बहुत टाइट से बांधा है। पहले मैं अच्छा नहीं लग रहा था, अभी अच्छा लग रहा है ना, यही में रहने देते हैं ना, मुझे भी यही पसंद आया था जब मैं देखने गए थे, ये ठीक है। अभी जो है मुझे मोटर को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग का हाथों में जादू नहीं है, तो मुझे ही देखना पड़ेगा क्या हालत हो गया यार मोटर का, कभी ख़राब होता है कभी ठीक होता है, क्या ही हो रहा है ज़िंदगी। इतना वो भैया को, मैकेनिक भैया को, प्लम्बर भैया को बुला के ठीक किया, बट मोटर में कोई ख़राबी नहीं है यार, हम लोग का हैंडपम्प में ही ख़राबी है, तो हैंडपम्प को अभी चेंज करना काफ़ी मुश्किल होगा ना। अरे गबच्चे तो पीछे पीछे आ रहे, चलो अभी देखता हूँ मैं, चल ला के हैंडपम्प की ख़राब है लगता है, यहाँ पे देखिए ना पूरा हवा, पानी तो जा ही नहीं रहा सिर्फ हवा, अभी देखो फिर ऑफ हो जाएगा थोड़ा देर बाद, पूरा हवा ही हवा, पता नहीं कहाँ से लीक हो रहा है हवा, यहाँ से हो रहा है ना कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे मेरा मैम साहब क्या बना रही है देखिए गाइस, क्या है ये, हमको भूख लग रहा है आलू पराठा, आलू पराठा। हाँ चलो बहुत मेहनत है ना, चलो बनाऊँ मैं भी खाऊंगा, मुझे भी भूख लग रहा है, मैं बाहर का खाना नहीं खाया ना,
तो घर का अच्छा होगा, चाहे थोड़ा सा अनहेल्दी हो बट फिर भी, लेकिन ये हेल्दी लग रहा है मुझे, उतना अनहेल्दी तो नहीं है ना, बस थोड़ा तेल वगैरह होगा, बट कोई बात नहीं। और मैंने गावुज्जे का जो वैक्सीन है उसको फ्रिज में रख दिया, उसको ठंडा रखना जरूरी होता है। और इतने दिनों के बाद आज पूरा यहाँ पे टीवी चल रहा है, टीवी, वाह फाइनली गाइस, बहुत दिनों के बाद टीवी। ये तो क्या क्या लिया, देखो क्या क्या मांगा मुझे, क्या है तुलसी जलजीरा, क्या क्या मांगती रहती है। हाँ। अभी देखो गाँव बच्चे को इंजेक्शन लगा देगा, उनको तो बहुत डर लग रहा है। देखो अभी देखो मामा गाँव बच्चे को इंजेक्शन लगा दे रहे, उनको तो बहुत डर लग रहा है, हम नहीं देखेगा। देखो देखो कैसे लगा रहे, उनको तो बहुत डर लग रहा है। हाँ वो तो लगातार भूखेगा, हमको आता है ना, बहुत मजा से कर देते। अबे यहाँ पे हमारा मैम साहब को क्यूरियोसिटी हो रही है खोलने के लिए। हाँ। तो आ गई खोलने के लिए टेबल को, देखो अभी खोल के कैसे कैसे बांध दिया भैया ने। हाँ उसने इसे बांधा, मैंने बाइक पे बांधा पूरा रबर से। चलो अब खोलो। हाँ। अच्छा है लेकिन दिखने में, बढ़िया है डिजाइन तो। हाँ। जब भी यहाँ आंगन पे मेहमान कभी कभी आते हैं ना। हाँ। वो चेयर पे बैठने के लिए तो। हाँ। हमें जो है टेबल की जरूरत है, एक तो ऑलरेडी है वो वाला बहुत पुराना हो गया। हाँ। चलो इसमें ये दो ताला वाला है, ये देखो नीचे में भी। हाँ, है। हाँ, बढ़िया है सामान रखने के लिए, कलर भी बहुत बढ़िया लग रहा है और डिजाइन भी मस्त है। हाँ डबल डबल टू स्टोरी बिल्डिंग। वाओ मस्त है ना, मस्त है। लो तो हाँ ये देखिए गाइस मस्त डिजाइन है। चलो फिटिंग कर लेती हूँ। हाँ ला, ये टूटा हुआ है। देखा नहीं तुम? देखा ही नहीं मैं। अरे तब तो नहीं रहेगा। तो तेरे का तब तो नहीं रहेगा, लगा के देखो फिर भी। हाँ। तो तेरे का देखा ही नहीं यार, जाना पड़ेगा चेंज करने के लिए। नहीं रहेगा तो क्योंकि नहीं, फिर भी लगा इसमें वो वाला नहीं है, देखो इसमें ओ, है, इसमें, इसमें नहीं भी है। नहीं है ना। हाँ। अरे अच्छे से दिखना चाहिए था, अच्छे से दिखना चाहिए था यार, गड़बड़ हो गया। फिर भी लगा के देखो, लेकिन मस्त है ना, फिर भी सुंदर लग रहा है टेबल। अभी लगा दिया गाइस। एक्चुअली जो है यहाँ पे ऑलरेडी टूटा हुआ है, किसी ने टेस्टिंग किया था होगा, तो ये जो है तोड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो हमने देखा ही नहीं। हाँ तो हमने देखा ही नहीं गाइस, तो यही गलती है नहीं देखने का। फिर भी भैया को अगर बोलेंगे तो वो जो है रिप्लेस करवा देंगे, लेकिन मजा है रिप्लेस। हाँ हो जाएगा, नीचे का जरूरत भी नहीं है। हाँ नीचे का तो उतना जरूरत नहीं है, बट फिर भी इसमें फेविक्विक वगैरह चिपका देंगे ना, तब ठीक होगा। बढ़िया लग रहा है अभी। और इस साइड का थोड़ा सा टांग टूटा हुआ है। हाँ इधर फटा हुआ। हाँ इधर भी फटा हुआ है यार, मैं ठीक से क्यों नहीं देखा यार। यही यार लड़का लोग शॉपिंग करने से ना उतना बढ़िया से देखता नहीं, हम जा ही नहीं सकते और काल भी स्पेशल है। नहीं एक्चुअली ना हम लोग को भरोसा होता है दुकानदार लोगों से कि हम जो भी सामान लेंगे वो लोग अच्छा ही देंगे, लेकिन क्या करे वो भी नहीं देखा होगा, वो पैकेजिंग के अंदर में था ना। कस्टमर लोग कोई कोई आता है तोड़ फोड़ कर देता है, तो उसका भी गलती नहीं है, हमारा भी गलती नहीं है, अभी क्या ही कर सकते हैं, लाया है तो ला दिया। हाँ, नेक्स्ट टाइम उसका बदले में ना, उसका भी लॉस है, हम लोग का भी लॉस है, हो जाएगा। हाँ एंटरटेनमेंट, ये देखो मंजिता सबसे पहले इनॉग्रेशन कैसा लग रहा है, लकड़ी जैसा है ना कलर भी, लकड़ी का बना हुआ जैसा। चाय मंजिता चाय पी रहे थे अभी। वो तो दारू है, साफ पीने वाला, वो तो दारू है। अभी मेहमान लोग आने से यहाँ पे ना मजा है, सुंदर लग रहा है कलर, बस एक दुख है वो थोड़ा टूटा हुआ, कोई बात नहीं ना। चलो अभी यही इसी से काम चलाना पड़ेगा। अभी बिल्कुल रात हो चुकी है, लेकिन आज जो है रात होने के बाद भी बिल्कुल अंधेरा नहीं है घर पे, एकदम रोशनी ही रोशनी।
तो आज जो है अभी डिनर बनाने का टाइम हो चुका है गाइस। तो आज क्या देखो, हम लोग पूरा सुखा के रखते हैं, पूरा ड्राई एकदम ट्रेडिशनल वाला मूली बीन्स क्या सब कुछ यहाँ पे सुखा के रखते हैं बम्बू सूत, तो उसी को पकाएंगे। मम्मी भी है यहाँ पे, दोनों पकाएंगे। मंजिता तो टीवी देखने में बिजी हो गई। सब्जी नहीं होने से खाना पकाने का भी मन नहीं करता है। वही तो सब्जी जब भी नहीं होता है, सब्जियों की कमी होती है ना गाइस, तो हम लोग इससे वाला जो मिक्स वाला होता है हम लोग ये खाते हैं। और आजकल ना गाइस पूरा ये जो है लाइट रिफ्लेक्ट होता है ये फ्लोर में, पूरा रोशनी एकदम बढ़िया से दिखता है। और आज खरीदा वाला टेबल देखो, यहाँ पे हेलमेट बढ़िया से खड़ा है एकदम। अभी जेरी यहाँ पे पका रही है, ड्राई फिश भी दे दिया गाइस, और ये वाला ड्राइड बीन्स, ड्राइड मूली, ड्राइड बम्बू सूट, तीन मिक्स यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ग्रेवी देने के लिए राइस ग्रेवी, राइस फ्लोर पूरा बना रहा हूँ मैं, पूरा ढंग 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 देके। तो इससे बनाने से जो है ट्रेडिशनल स्टाइल में थोड़ा सा टेस्टी होता है ना, ग्राइंडर पे करने से उतना मजा नहीं आता है। और ये कद्दू के साथ खाएंगे, बस इसी के साथ डिनर करेंगे ना। पूरा डाल लिया ना, अभी पानी देके राइस ग्रेवी जब देंगे ना तब मजा आएगा राइस। ये ऑलरेडी बॉयल है, ज्यादा नहीं पकाना है इसको, बस 2 मिनट में हो जाएगा ये सब। अभी डिनर करने का टाइम है, तो अभी डिनर करेंगे। बस 2 ही सब्जियां हैं, मंजिता भी आ गई, टीवी देख रही थी। ये दोनों का वजह से मम्मी और इसका दोनों का वजह से इसको कार्टून देखने नहीं मिला। ये लोग सीरियल देखता है, ये कार्टून देखती है। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना कार्टून ना सीरियल, लेकिन कार्टून में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है मुझे, एनिमे वगैरह में। मैं भी मंजिता का साथ में देखता हूँ, लेकिन सीरियल ना वो वाला। तो अभी हम डिनर करते हैं गाइस। तो आज का दिन ओवरऑल ठीक ठाक रहा, बहुत ही अच्छा लगा। बिजू फेस्टिवल आ रहा है, मैं बार बार हर वीडियो में आप सभी को इनविटेशन दे रहा हूँ, प्लीज आइएगा घूमने के लिए हमारे बिजू फेस्टिवल में। तो 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हम लोग का फेस्टिवल है, आप लोग उसी के बीच में कभी भी आप लोग आ जाइए, यू आर ऑलवेज वेलकम, मोस्ट वेलकम गाइस। तो अभी आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ।